हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सबसे अच्छे ही होंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं काशीराज काली मंदिर वाराणसी, जो यह चौक रोड के पास स्थित है। चौक से ज़्यादा नहीं, कुछ 200 या 300 मीटर के आसपास में है। देख सकते हैं ये सामने ये मंदिर है, ये मंदिर का गेट है। इस पे लिखा भी है काशीराज काली मंदिर। यह मंदिर का अपने वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में जो नक्काशियाँ किए गई हैं, जो डिजाइन बनाए गई हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये वास्तुकला के लिए ही जाना जाता है। बनारस में तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, उन्हीं में से एक यह मंदिर है जो अपने भव्य निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मंदिर के इस शहर में काशी के कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिन्हें देखने के बाद सहज मन में उठता है कि वाह क्या बात है। ये मंदिर का गेट था और हम इसके अंदर चलते हैं। अब ये देखिए सामने ये एक रेस्टोरेंट है, गेट पहले है, उसके अंदर एक रेस्टोरेंट है और लेफ्ट साइड में ये भव्य मंदिर जो आपके सामने दिख रहा है। कहा था कि इस मंदिर का निर्माण काशी नरेश श्री नारायण की पत्नी, जो प्रभु नारायण की माँ थी, उन्होंने सन 1943 में करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में उस समय के बेहतरीन कारीगरों ने हथौड़ा चलाया। मंदिर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए बड़ी ही बारीक से कार्य किया गया। इसमें इसका प्रमाण मंदिर के अगला बगल और पीछे का हिस्सा है, क्योंकि ये चारों तरफ से एरिया से बनाया गया है। कहा जाता है कि इसके प्रतीक मतलब प्रत्येक स्तंभ में इतनी बारीक से नक्काशियाँ की गई कि इसको बनाने में लगभग 6 महीने एक स्तंभ में लगे, जबकि यहाँ के कितने सारे स्तंभ देख सकते हैं, हर जगह है। ये सामने जो है ये काली जी के मंदिर और शिवलिंग इसके अंदर स्थापित हैं और ये एक एक खंभे की नक्काशियाँ देख सकते हैं कितनी बारीकी से किया गया है। इसे देखने के बाद लोगों के मन में ये आएगा कि अरे ये तो लकड़ी से बनाया गया, बट नहीं, ये पूरी मंदिर पत्थर से निर्मित है, पूरी पत्थर से। देख सकते हैं आप इतनी बारीकियों से बनाया गया है, एक एक डिजाइन, इसकी रिपीटेशन, इसमें जो फ्लावर्स बने हैं उसमें जो सेम सेम जो एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है। ये पिछले हिस्सा है मंदिर के, पिछला भाग है। ये है तो ऐसे चारों गेट जो हैं इसमें, चारों, हाँ चार गेट हैं इसमें, चारों गेट सेम ही लगते हैं, एकदम सेम सेम बनाए गए हैं। ये पीछे वाला गेट है और इसमें जो नक्काशियाँ हैं ये देख सकते हैं। इस मंदिर को एक बार जरूर घूमें आप लोग, क्योंकि काशी खंडोक्त गौतमेश्वर महादेव मंदिर भी है और मंदिर के परिसर में एक रेस्टोरेंट भी संचालित है। तो ये पूजी यही मंदिर, तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।